हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे कविता डाकिया। डाकिया कौन होता है? जो कि चिट्ठियाँ या कोई रजिस्ट्री या कोई लेटर वगैरह जो हमें देता है, या फिर हम जो किसी को लेटर भेजते हैं, हम जो कोई राखी अपने हमारे दूर भाई बहन रहते हैं उनको राखी या कुछ और सामान भेजते हैं या पैसे भेजते हैं, तो वो डाकिया उन तक पहुंचाता है। तो हम पढ़ेंगे, देखो एक डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया, पहने है वह खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े, चिट्ठी में संदेशा आया, शादी में है हमें बुलाया, शादी में हम जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। देखो एक डाकिया आया, आप भी बोलिए मेरे साथ, देखो एक डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया, पहने हैं वह खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े, चिट्ठी में संदेशा आया, शादी में है हमें बुलाया, शादी में हम जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे। शादी में जाके खूब मिठाइयाँ खाते हो ना? तो ऐसे ही डाकिया में क्या संदेश, डाकिया क्या संदेश लाया कि हमको एक शादी का कार्ड लेके आया है वो, उसमें शादी के कार्ड में हमको कहीं बुलाया है हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे रिश्तेदार ने, तो हमको वहाँ शादी में जाना है। अब करेंगे हम कुछ रिटर्न वर्क। ये मैंने जो आप कर चुके हैं वो मैंने क से न तक यहाँ पर आपके लिए खाली जगह भरो, क से न तक आपने सीख लिया था, तो इसमें आपको जो मैंने खाली खाली जगह दी है उनमें आपको सही सही अक्षर लिखना है। जैसे क है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ख से खरगोश, यहाँ पर ग से गमला, फिर मैम ने घ से घर तो लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ना खाली। फिर च से चम्मच, छ से छाता मैम ने दिया है, ज से जहाज, ज से झंडा दिया है, य खाली। ट से टमाटर, यहाँ पे लिखेंगे आप ठ से ठटेरा, ड से डमरू लिखा है, आप लिखेंगे ढ से ढक्कन, ण खाली। फिर ट से तरबूज मैम ने लिखा है, आप लिखोगे थ से थर्मस, फिर द से दवात, थ से धनुष मैम ने लिखा है, आप लिखोगे न से नल। अच्छे से साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। और आप वर्क कर रहे नहीं कर रहे मुझे पता ही नहीं चलता है, आप मुझे बिना नंबर पे अपनी मम्मी पापा से बोल के मुझे अपने वर्क की पिक भेजेंगे, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ भाई मेरी क्लास के बच्चे इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। अपना ध्यान रखिए और घर पर ही रहिए। बाय।